19th सेंचुरी आते आते यूरोपियन पावर्स आधी दुनिया पर अपना कब्जा जमा चुकी थी, लेकिन कुछ देश अभी भी ऐसे थे जो यूरोप के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। ऐसा ही एक देश था जापान, जिसने दुनिया में बढ़ रहे यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का खुलकर विरोध किया और अपनी ताकत से खुद को विश्व विजेता समझने वाले यूरोपियन को नाको चने चबवा दिए थे। लेकिन यूरोपियन के कॉलोनाइजेशन को खत्म करने की रेस में जापान खुद ही एक आक्रामक देश बन गया और आगे चलकर कई कंट्रीज को खुद ही कॉलोनाइज करने लगा। इसी बीच ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जो एशिया को अपना घर समझ चुके थे, जापान ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया था। रशिया जैसे देश भी जापान के सामने भागने को मजबूर हो गए थे। दुनिया में जापान की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने थोड़ा अड़ियलपन दिखाया तो जापान ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया। 26th November 1941 वो दिन था जब जापान ने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 विशाल बैटल शिप्स और सैकड़ों एयरक्राफ्ट्स एक बड़े हमले की तैयारी के साथ निकल पड़े। इस सरप्राइज हमले का शिकार बना अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर। यहाँ यूएस पैसिफिक फ्लीट ने अपना ढेरा डाला हुआ था। अचानक से हुए इस हमले में जापानीज एयरक्राफ्ट ने धड़ल्ले से अमेरिकन नेवी पर बमों की बरसात कर दी। इसके पहले कि अमेरिकन नेवी कुछ कर पाती, जापानीज एयरफोर्स ने वहां हजारों लोगों की जान ले ली। इस हमले से यूएस पैसिफिक फ्लीट बिल्कुल बर्बाद हो गई। कई बैटल शिप्स और 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। जापान के इस अटैक से अमेरिका का खून खौल उठा था और फिर अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर कर लेता है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक क्यों किया था? ऐसा क्या किया था अमेरिका ने जिसकी वजह से जापान को इतना बड़ा अटैक करना पड़ा? अमेरिका और जापान की राइवलरी आखिर हुई क्यों जिसकी वजह से पर्ल हार्बर और जापान बर्बाद हो गया था? 20th सेंचुरी तक इंपीरियलिज्म अपनी पीक पर पहुंच चुका था। यूरोपियन कंट्रीज अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए एशिया और अफ्रीका के तमाम देशों पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। अफ्रीका से लेकर एशिया तक के कई देशों पर यूरोपियन का राज था। कॉलोनाइज कंट्रीज से तमाम कीमती रॉ मटेरियल यूरोप भेज दिया जाता था और वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स वापस लाकर उसी देश में महंगे दामों में बेचे जाते थे। एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ता जा रहा था, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन लगातार ग्रो कर रही थी, लेकिन दूसरी ओर कॉलोनाइज्ड कंट्रीज की इकोनॉमी दिन पर दिन गिरती जा रही थी। जैसे जैसे कॉलोनाइजेशन बढ़ रहा था, दुनिया भर के देशों में कनेक्टिविटी भी बढ़ रही थी। एक देश में हुए छोटे से इंसिडेंट की खबर भी आसानी के साथ दूसरे देश तक पहुंच जाती थी, इसलिए धीरे धीरे कॉलोनाइज्ड कंट्रीज के लोग अपने राइट्स को लेकर अवेयर होने लगे थे और यही रीजन था कि कई देशों में यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट भी देखे जा रहे थे। एशिया और अफ्रीका के कुछ देश ऐसे भी थे जहां ब्रिटेन और फ्रांस अपनी कॉलोनी बनाने में फेल रहे थे। समय रहते उन देशों ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी क्योंकि वो जानते थे यूरोपियन को जब भी मौका मिलेगा तो वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। सदर्न एशिया में स्थित जापान ऐसा ही एक देश था जो शुरुआत से ही यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट था। कहने को तो जापान छोटा सा देश था, लेकिन अपने कारनामों से जापान दुनिया की पावरफुल कंट्रीज के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुका था। जब ब्रिटेन और फ्रांस आधे एशिया में अपनी कॉलोनीज बना चुके थे, जापान ने इन्हें अपने देश में घुसने की आजादी भी नहीं दे रखी थी। 1850 तक जापान ने अपने सभी बॉर्डर सील कर रखे थे। ना तो दूसरे देश से कोई आदमी जापान के अंदर एंट्री कर सकता था और ना ही जापान का कोई आदमी बाहर जा सकता था। समय रहते जापान ने भी ये समझ लिया था, अगर अपने देश को यूरोपियन कॉलोनी बनने से बचाना है तो जापान की फाइनेंशियल और मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। इसलिए 20th सेंचुरी के शुरू होते ही जापान ने अपने रिसोर्सेज बढ़ाने शुरू कर दिए थे। बरसों तक खुद को आइसोलेटेड रखने वाले जापान ने अब दुनिया से खुद को सेल्फ आइसोलेशन से आजाद कर लिया। अब जापान ब्रिटेन की कॉलोनियल मोनोपोली को खत्म करने लगता है। जापान ब्रिटेन की कई सदर्न एशिया में बसी हुई कॉलोनीज को अपने कब्जे में ले लेता है और इस वॉर में उनकी जीत होने ही वाली होती है कि तभी जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है। इस अटैक के साथ ही अमेरिका ने भी वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री कर ली, जिसका अंत जापान में हुए एटॉमिक विस्फोट के साथ हुआ। पर आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि जापान को अमेरिका के नेवल बेस पर अटैक करना पड़ा? दरअसल इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जापान के इतिहास को समझना होगा। ईयर 1868 तक जापान के हालात भी एशिया के बाकी सभी कंट्रीज के जैसे ही थे। 23rd अक्टूबर 1868 को मेजी जापान के नए एम्परर बने।
उन्होंने जापान के अंदर सालों से चली आ रही शोगुनाते मिलिट्री डिक्टेटरशिप को खत्म करके एक बार फिर मोनार्की सिस्टम की शुरुआत की थी। इससे पहले तक जापान के अंदर साकोकू पॉलिसी लागू थी, जिसका मतलब था जापान के अंदर ना तो कोई फॉरेनर आ सकता था और ना ही कोई जापान से बाहर जा सकता था। एक तरह से जापान आइसोलेटेड था। खास तौर पर शोगुनाते गवर्नमेंट द्वारा ये पॉलिसी यूरोपियन कंट्रीज को जापान में एंटर करने से रोकने के लिए लागू की गई थी। आसपास की कंट्रीज के लिए ये पॉलिसी लागू नहीं थी। जैसे नागासाकी के रास्ते से चाइना और जापान के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता था, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के लिए जापान का बॉर्डर पूरी तरह सील था। केवल डचेस और चाइनीज मर्चेंट्स को नागासाकी पोर्ट तक का एक्सेस था। इनके अलावा किसी भी दूसरे एशियन या यूरोपियन देश के लिए जापान पूरी तरह से क्लोज टेरिटरी था। ये वही समय था जब पूरी दुनिया में यूरोपियन ताकतें कमजोर देशों पर कब्जा करती चली जा रही थी। ऐसे में एक तरह से ये जापान के प्रोटेक्शन की टेक्निक भी थी, लेकिन जापान की खुद को प्रोटेक्ट करने की ये टेक्निक यूरोपियन एंड अमेरिकन को रास नहीं आ रही थी। वे चाहते थे कि जिस तरह से पूरी दुनिया ने उनके लिए दरवाजे खोल रखे हैं, ठीक वैसे ही जापान भी उनके इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करे और उन्हें अपने देश में ट्रेड करने की फ्रीडम दे। लेकिन जापान किसी भी कीमत पर ट्रेड के लिए अपने दरवाजे खोलने को तैयार नहीं था। इसलिए उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट मिलर्ड फिलमोर ने फोर्सफुली जापान के बॉर्डर खुलवाने का फैसला लिया। 8 जुलाई 1853 में अमेरिकन गवर्नमेंट के ऑर्डर पर कोमोडोर मैथ्यू पेरी 4 ships के साथ टोक्यो बे के पास पहुंचते हैं। शिप पर भारी मात्रा में वेपन्स और गन्स के साथ जापान की शोगुनाते गवर्नमेंट को मैसेज देते हैं कि वह अपने पोर्ट को अमेरिका के साथ ट्रेड के लिए खोल दे या तो वॉर के लिए तैयार हो जाए। कोमोडोर मैथ्यू सी पेरी की अगुवाई में यूएसए ने जापान को अपनी डिमांड्स की एक लिस्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जापान यूएस के लिए अपने पोर्ट्स खोल दे और जो भी यूएस वॉरशिप्स खराब हो गए हैं और टूट गए हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करे। इसके साथ ही उन्होंने अपने वॉरशिप्स के लिए सप्लाई की भी डिमांड की। इसके बाद अगले साल पेरी और भी ज्यादा फोर्सेस और 9 warships लेकर जापान पहुंच गए और अपनी डिमांड्स की लिस्ट बढ़ाते हुए जापान को पेरी ट्रीटी करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जापान को वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ओपन करने में जापान के डिक्टेटर तोकुगावा शोगुनाते और उनके फ्यूडल्स राजी नहीं थे, लेकिन अब उनके पास इतनी मजबूत आर्मी नहीं थी जिससे कि वो यूएस के डिमांड्स को नकार सके। इसीलिए जापान ने 1854 में पेरी के साथ ट्रीटी ऑफ कानागावा पर साइन कर दिया, जिसके बाद जापान अब अमेरिका के लिए ओपन हो गया। इस ट्रीटी के बाद फिर कई वेस्टर्न कंट्रीज ने जापान के साथ और भी कई ट्रीटीज साइन की और जापान के पोर्ट्स पर एंटर करने लगे। इस तरह मेजी के शासन से पहले 1855 तक जापान के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। एम्परर मेजी की गद्दी पर बैठने के बाद जापान के अंदर बदलाव आना शुरू हो चुका था। सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली हर तरह से जापान डेवलप करने लगा। मेजी को पता था आइसोलेट रहकर जापान की प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, इसलिए दुनिया के उन यूरोपियन देशों के लिए भी जापान में ट्रेड के लिए दरवाजे खोल दिए गए। जापान भी दूसरे देशों से चीजों को इम्पोर्ट करने लगा। इससे जापान के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। जापान ने दूसरी कंट्रीज से रॉ कॉटन खरीदना शुरू किया, जिसका यूज करके जापान की इंडस्ट्रीज में कपड़े मैन्युफैक्चर किए जाते थे और उन्हें ग्लोबली एक्सपोर्ट किया जाता था। 20th सेंचुरी आते आते जापान कॉटन क्लोथ्स के एक्सपोर्ट में दुनिया के टॉप कंट्रीज की लिस्ट में आ गया था। धीरे धीरे जापान का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में फैल रहा था। जैसे जैसे जापान तरक्की कर रहा था, वैसे वैसे ही मेजी के एम्बिशंस भी बढ़ते जा रहे थे। अब मेजी की लीडरशिप में जापान खुद को ग्लोबली ग्रेट नेशन के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहता था, लेकिन ये करने के लिए उन्हें दूसरे देशों को कॉलोनाइज करने की जरूरत थी, क्योंकि इसी कॉलोनाइजेशन की बदौलत ही यूरोपियन देश वर्ल्ड लीडर बनकर बैठे थे। धीरे धीरे जापान को एशिया के अंदर यूरोपियन कंट्रीज का कब्जा खलने लगा था। अब मेजी अपने देश को स्ट्रेंथन करने के लिए जापान की मिलिट्री पावर को बढ़ाने लगे। जल्दी ही जापान की सेना दुनिया की टॉप मिलिट्रीज में से एक बन गई। अब जापान खुद को एशिया का लीडर बनाना चाहता था, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल था जब यूरोपियन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस कम किया जा सके। इसलिए जापान ने यूरोपियन कंट्रीज को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। ताकत बढ़ने के साथ साथ जापान ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को अपना कॉम्पिटिटर समझने लगा था। इसलिए जो कॉलोनाइजेशन यूरोपियन कंट्रीज कर रही थी, अब जापान ने भी दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया था और अपने इस प्लान की शुरुआत जापान ने एशिया से की।
साल 1876 में जापान ने कोरिया को फोर्स किया कि वो अपने पोर्ट्स जापान के लिए खोल दे। ये ठीक वैसे ही था जैसे अमेरिका ने जापान के साथ किया था। उस समय जापान का कद ग्लोबली इतना बढ़ चुका था कि कोई भी देश जापान से सीधे दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, इसलिए मजबूर होकर कोरिया को जापान के लिए दरवाजे खोलने पड़े। इस समय कोरिया चाइना का भी बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर था। नॉर्थ में चाइना के बॉर्डर से लगने वाले कोरिया में ज्यादातर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चाइना से हो रहे थे। जापान की एंट्री के बाद चाइना का ट्रेड कम होने लगा था, इसलिए दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा दिनों तक नहीं चले। जल्द ही दोनों देश समझ चुके थे कि कोरिया में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाने के लिए दोनों को एक साथ आना होगा, इसलिए चाइना और जापान ने मिलकर 1885 में एक अग्रीमेंट साइन किया जिसे टिनसिन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार दोनों कंट्रीज को कोरिया में ट्रेड करने की छूट मिल गई थी। लेकिन एक शर्त ये भी रखी गई थी कि जापान और चाइना में कोई भी देश कोरिया में अपनी आर्मी भेजकर कोरिया को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन कोरिया में बढ़ते चाइनीज एंड जापानीज इन्फ्लुएंस से कोरिया की जनता परेशान हो गई थी। कोरिया के व्यापारियों को भी जापान और चाइना का इन्फ्लुएंस रास नहीं आ रहा था। वो नहीं चाहते थे कि कोरिया के नेचुरल रिसोर्सेज पर विदेशी हावी हो, इसलिए वो लगातार लिबर्टी की मांग कर रहे थे। कोरियन एम्परर जापान, रशिया और चाइना तीनों के इन्फ्लुएंस से बने थे, इसलिए कोरियन जनता और व्यापारियों की डिमांड का कोई असर नहीं हो रहा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1894 में कोरिया की नेशनलिस्टिक जनता अपने एम्परर के खिलाफ भड़क गई। जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लोग सड़कों पर आने लगे। जब कोरियन एम्परर इस प्रोटेस्ट को दबाने में फेल हुआ तो उसने अपने घर में बढ़ते वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए चाइना से हेल्प मांगी और कोरिया की मदद करने के लिए चाइना ने अपनी आर्मी भेज दी। चाइनीज सैनिकों के कोरिया में एंटर करते ही जापान के साथ हुई वो ट्रीटी भी टूट चुकी थी जिसमें कहा गया था कि कोई भी देश कोरिया के अंदर अपनी आर्मी नहीं भेजेगा। चाइना की ये हरकत जापान को रास नहीं आई। जापान को लगा कि चाइना कोरिया के इंटरनल मामलों में दखल देकर कोरिया पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इससे जापान आग बबूला हो गया और चाइना पर अटैक कर दिया। जुलाई 1894 से लेकर अप्रैल 1895 तक चला ये वॉर चाइना और जापान के बीच लड़ा गया पहला वॉर था, जिसे फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर के नाम से जाना जाता है। कॉन्फिडेंस से भरी जापानीज आर्मी ने चाइनीज आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। चाइनीज एम्परर को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। चाइना को ये वॉर बहुत महंगा पड़ा। मजबूर होकर 1895 में चाइना को जापान के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसे ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी के नाम से जाना जाता है। इसके तहत वॉर का पूरा लॉस चाइना को झेलना पड़ा और कोरिया के इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट करना पड़ा। जापान को चाइना के अंदर ट्रेड करने की छूट मिल गई। इसके साथ ही चाइना के कब्जे वाला ताइवान और ताइवान के पेस्काडोर्स आइलैंड्स के अलावा मंचूरिया के लियाओडोंग पेनिनसुला जापान को मिल गए। इस तरह से जापान की कॉलोनाइजेशन में एंट्री शुरू हो चुकी थी। चाइना की इन टेरिटरीज पर कब्जा जमाने के बाद जापान ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना कम नहीं किया। जापान की नजर धीरे धीरे कोरिया के और हिस्सों पर पड़ रही थी, जहां उस समय रशिया ने अपने पांव जमा रखे थे। ब्रिटेन और फ्रांस के जैसे ही रशियन एम्पायर भी खुद को इंटरनेशनल लेवल पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। जापान ने कोरिया और मंचूरिया के इलाकों में अपना ट्रेड बढ़ाना शुरू कर दिया। अब रशिया जो पहले ही मंचूरिया और कोरिया में ट्रेड कर रहा था, जापान की एंट्री के बाद उसके ट्रेड में कमी आ गई थी, इसलिए कोरिया के अंदर जापान से जो कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ होते थे अब रशिया के साथ शुरू हो चुके थे। धीरे धीरे रशिया जापान के रास्ते की रुकावट बनने लगा। मंचूरिया से जापानीज ट्रेडर को भगाया जा रहा था और मंचूरिया पर रशिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस को देखकर जापान ने रशिया के साथ ट्रीटी करने में फायदा देखा। 1903 में जापानीज गवर्नमेंट की ओर से रशिया को ऑफर दिया गया कि वह चाहे तो मंचूरिया पर कब्जा कर सकता है, लेकिन कोरिया से पूरी तरह अलग होना पड़ेगा। लेकिन रशिया भी मानने वालों में से नहीं था। उसने जापान के दोनों ऑफर रिजेक्ट करके कोरिया और मंचूरिया दोनों जगह अपना इन्फ्लुएंस कंटिन्यू रखा। 1904 में जापान ने अचानक रशिया पर अटैक कर दिया। रशिया और जापान के बीच बहुत भयंकर वॉर हुआ। इस वॉर में दोनों कंट्रीज के 1,00,000 से ज्यादा लोग मारे गए। जापानीज फोर्सेस ने रशियन मिलिट्री को बुरी तरह तबाह कर दिया। रशिया के कई पैसिफिक फ्लीट बर्बाद हो गए थे तो कई जापान ने कैप्चर कर लिए। ओवरऑल जापान की विक्ट्री हुई और रशिया को भारी नुकसान झेलना पड़ा था।
1905 में अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने जापान और रूस से पीस ट्रीटी कराई, जिसे ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के नाम से जाना जाता है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि रशिया को मंचूरिया और कोरिया के अंदर जापान के इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करना पड़ा और रशिया को अपना सखालिन आइलैंड जापान को देना पड़ा। इस वॉर में विक्ट्री के बाद जापान को एशिया की सबसे पावरफुल कंट्री माना जाने लगा था। दुनिया को पता चल चुका था अब जापानीज आर्मी दुनिया की किसी भी कंट्री से लड़ सकती थी। इसके बाद जापान लगातार कोरिया और मंचूरिया पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहा। साल 1910 तक पूरा कोरिया जापान के अंडर में आ गया था। अब जापान की नजर थी मंचूरिया के ऊपर। साल 1931 आते आते जापान ने मंचूरिया पर भी अपना कब्जा कर लिया। मंचूरिया पर जापान के कब्जे से अमेरिका बौखला उठा था। अचानक जापान की बढ़ती ताकत अमेरिका को परेशान करने लगी थी, इसलिए मंचूरिया पर जापान के कब्जे का मामला लीग ऑफ नेशंस में उठाया गया। अब लीग ऑफ नेशंस ने जापान के कब्जे को गलत बताया, तो जवाब में जापान के रिप्रेजेंटेटिव ने लीग ऑफ नेशंस पर भेदभाव करने का एलिगेशन लगाया। जापान के अनुसार लीग ऑफ नेशंस ने यूरोपियन कंट्रीज के एशिया पर कब्जे को सही ठहराया था, और जब वही काम जापान ने किया तो उसे गलत ठहराया गया। इसलिए जापान ने उसी मीटिंग में लीग ऑफ नेशंस की मेंबरशिप को छोड़ दिया था। जापान लगातार चाइना के अगेंस्ट अग्रेसिव रवैया बनाए हुए था, जिसकी वजह से यूएसए लंबे समय से जापान से नाराज था। लेकिन जापान का स्टैंड था कि बिना जियो एक्सपेंशन के वो इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए वो एशियन कंट्रीज को इन्वेड करते हैं ताकि वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करके वो जापान को समृद्ध कर सके। इसी स्टैंड पर जापान ने 1937 में सेकेंड सीनो जापानीज वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसमें लाखों चाइनीज मारे गए। अमेरिका ने इस वॉर की वजह से नाराजगी जताते हुए जापान पर कई इकोनॉमिक सैंक्शंस और ट्रेड एम्बार्गोस लगा दिए। उन्हें लगा इन सैंक्शंस के बाद जापान अपनी अग्रेसिव कॉलोनाइजेशन एंड इन्वेजन्स को रोक देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जापान और अधिक अग्रेसिव हो गया और कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच वॉर अब इनेविटेबल हो गया। कोरिया और मंचूरिया पर कब्जा करने के बाद जापान की दिन पर दिन ताकत बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे जापान ने ठान लिया था कि वह पूरे एशिया को अपने अंडर में लेगा और एशिया में सालों से कब्जा जमाने बैठी यूरोपियन पावर्स को खदेड़ देगा। इसी सपने के साथ 1940 में जापान फ्रांस की टेरिटरी फ्रेंच इंडो चाइना, जो आज के दिन वियतनाम, लाओस और कैम्बोडिया के नाम से जाना जाता है, उस पर अटैक कर देता है और फ्रांस की मिलिट्री को वहां से खदेड़ देता है। साल 1941 आते आते फ्रेंच इंडो चाइना के साथ साथ तमाम कोरियन, ताइवान, चाइनीज और रशियन एम्पायर के कई आइलैंड्स और टेरिटरीज जापान के कंट्रोल में आ चुके थे। जैसे जैसे जापान की ताकत बढ़ रही थी, दुनिया पर जापान का कब्जा भी बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन जापान की ताकत के पीछे सबसे बड़ा रोल था जापानीज इकोनॉमी का, और जापानीज इकोनॉमी इंडस्ट्री बेस्ड थी। जापान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज ना के बराबर थे, इसलिए जापान ज्यादातर चीजें अमेरिका एंड यूरोप से इंपोर्ट करता था। जापान 70-80% ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अमेरिका को पहले से ही जापान का बढ़ता एम्पायर रास नहीं आ रहा था। कई बार इस विषय पर जापानीज गवर्नमेंट के साथ अमेरिका की ओर से मीटिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद जब जापान ने एशिया में अपना एक्सपेंशन करना बंद नहीं किया, तो अमेरिका ने जापान के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। अमेरिका ने उन चीजों में कटौती करना शुरू कर दिया जो जापान अमेरिका से इंपोर्ट करता था। जापान के अंदर अमेरिका से स्टील, आयरन और कॉपर आना बंद हो गया था, लेकिन जापान तो ग्रेट एशिया सपना लेकर चल रहा था, इसलिए अमेरिका के कॉपर, आयरन और स्टील बंद करने के बाद भी जापान ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका ने जापान को ऑयल देना भी बंद कर दिया। और तो और, अमेरिका के कहने पर डच ईस्ट इंडीज ने भी जापान को ऑयल देने से मना कर दिया। ऑयल की सप्लाई बंद होते ही जापान के अंदर जल्द ही हालत खराब होने लगी। इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, मिलिट्री में यूज होने वाली गाड़ियां और एयरक्राफ्ट खड़े होने की कगार पर आ गए। चूंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से अमेरिका और जापान के रिश्ते ठीक थे, लेकिन जैसे ही यूएस ने एम्बार्गो पॉलिसी लगाई, वैसे ही एम्परर हिरोहितो ने अपने देश की मिलिट्री से अमेरिका के ऊपर वॉर की तैयारी करने को कह दिया। दोनों देशों के रिश्तों में खटास तो आ गई थी, लेकिन अमेरिका में किसी ने भी जापान की ओर से वॉर एक्सपेक्ट नहीं किया था। जापान पूरी तरह से एशिया पर कब्जा करना चाहता था,
लेकिन देश के अंदर अमेरिका के सैंक्शंस ने जापान की कमर तोड़ दी थी। जापान की इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो गई थी। ऐसे में जापान ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज जर्मनी और इटली के साथ उलझी हुई थी, इसलिए जापान को यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा खतरा नहीं था। सिर्फ अमेरिका ही जापान के लिए सरदर्द बना हुआ था। अमेरिका ही एक ऐसा देश था जो बिना लड़े ही जापान को कमजोर कर रहा था। इसलिए जापान ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठान ली। जापान ने प्लान किया कि वो अमेरिका पर अटैक करके अमेरिका की मिलिट्री को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और सिंगापुर, फिलीपींस और डच ईस्ट इंडीज जैसे एरियाज पर कब्जा कर लेगा जहां ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे। अमेरिका ने अपने ज्यादातर जेट्स, वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर हवाई आइलैंड के पोल हार्बर पोर्ट पर लगा रखे थे। यही से अमेरिका एशिया और अफ्रीका के देशों पर अपनी नजर रखता था और जरूरत पड़ने पर आसानी के साथ अपनी सेना को किसी भी ऑपरेशन के लिए भेज देता था। इसलिए जापान ने अमेरिका के पोल हार्बर पर हमला करने की योजना बनाई। 7 दिसंबर 1941, सुबह 8 बजे से पहले तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। यूएस फोर्स के कुछ सैनिक ब्रश कर रहे थे तो कुछ अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड से फोन पर लगे हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कुछ ही देर में उन पर कहर टूटने वाला था। वैसे तो उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिका दबे छिपे एलाइज कंट्रीज की मदद भी कर रहा था, लेकिन अमेरिका को अपने ऊपर अटैक का खतरा ना के बराबर था। लेकिन इसके बावजूद पर्ल हार्बर में कमांडर इन चीफ हस्बैंड ई किमेल को एक्टिव रहने के इंस्ट्रक्शंस मिल चुके थे, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता था कि जापान पर्ल हार्बर को अपना निशाना बनाएगा। हवाई आइलैंड के आसपास पानी काफी कम मात्रा में था, इसलिए ये जापान के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि जापान इस अटैक में टॉर्पीडो यूज करने वाला था जिन्हें सही निशाना लगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, क्योंकि ये नीचे गिरने के बाद एक निश्चित गहराई तक जाते हैं। इसलिए जापान ने अपने टॉर्पीडो एक अलग तरीके से डिजाइन किए थे जिन्हें आसमान से छोड़े जाने के बाद ज्यादा नीचे तक जाने की जरूरत नहीं थी। इधर जापान के 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हवाई आइलैंड की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। जापान के मार्शल एडमिरल इज़ोरोकु यामामोटो के प्लान के अकॉर्डिंग जापानीज फोर्स अटैक को 3 वेव्स में अंजाम देने वाली थी। 7 दिसंबर 1941 को सुबह के 7:55 पर जापानीज फोर्सेस पर्ल हार्बर के नजदीक पहुंच चुकी थी। फर्स्ट वेव के कमांडर मित्सुओ फुचिदा ने जापानीज एयरफोर्स के साथ टोरा टोरा नारे के साथ पर्ल हार्बर पर टूट पड़े। सबसे पहले जापानीज एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए जाए, जिससे कोई एयरक्राफ्ट ऊपर से जापानीज फोर्स पर अटैक ना कर पाए। पर्ल हार्बर पर सैकड़ों मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक लाइन में खड़े हुए थे। एक झटके में जापानीज एयरफोर्स ने सभी एयरक्राफ्ट एंड एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। एयरक्राफ्ट एंड एयरफील्ड डिस्ट्रॉय करने के बाद अब मेन टारगेट बैटलशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसलिए जापानीज एयरफोर्स ने अपना रुख उस तरफ मोड़ लिया। बैटलशिप्स भी एक साथ लाइन में लगे हुए थे। जापानीज एयरक्राफ्ट ने आसमान से टॉर्पीडो और बॉम्ब बरसाना शुरू कर दिया। चारों तरफ तबाही मची हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उस समय हुआ जब एक बॉम्ब अमेरिका की यूएसएस एरिजोना शिप से टकराकर पर्ल हार्बर के उस एरिया में जाकर लगा जहां वेपन्स रखे हुए थे। एम्यूनेशन डिपो में भयंकर एक्सप्लोजन हुआ। देखते ही देखते पूरा एरिया तबाह हो गया था। पहली वेव में ही काफी हद तक पर्ल हार्बर बर्बाद हो चुका था। अटैक करने के बाद जापानीज मिलिट्री ने वापस लौटना शुरू कर दिया था। 1 घंटा 15 मिनट चले इस अटैक में अमेरिका के टोटल 19 शिप बर्बाद हुए थे, जिसमें 8 बैटलशिप्स थे। 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए थे। 2,403 लोग मारे गए थे। 1,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। लेकिन इस अटैक के बाद भी जापान के कंबाइंड फ्लीट के चीफ इज़ोरोकु यामामोटो बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि जापानी सेना एक भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस समय अमेरिका के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरी जगहों पर थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हो गई थी, लेकिन इस बार अमेरिका ने अपने आप को न्यूट्रल बना रखा था। अमेरिकन सिविलियंस भी वर्ल्ड वॉर टू के बीच दो भागों में बटे हुए थे। हालांकि इस बीच अमेरिका एलाइज कंट्रीज को वेपन सप्लाई कर रहा था। कहने को तो अमेरिका पैसे लेकर इन देशों की मदद करता था, लेकिन अमेरिका का झुकाव भी एलाइज कंट्रीज की ओर ही था। पर्ल हार्बर पर अटैक के बाद अमेरिका आग बबूला हो गया था। वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट न होने के बावजूद अपने ऊपर हुए इस अटैक से अमेरिका का खून खौल उठा था, जिस कारण अगले ही दिन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी थी।
अमेरिका के वॉर में एंट्री लेने के बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने भी जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इससे पहले तक ब्रिटेन केवल जर्मनी और इटली से वॉर लड़ रहा था, जिसके जवाब में 11 दिसंबर 1941 को जर्मनी और इटली ने भी जापान के सपोर्ट में आकर अमेरिका के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू में एंट्री लेते ही वॉर की पूरी डायरेक्शन बदल कर रख दी थी। जो हिटलर पूरे यूरोप को तेजी के साथ कैप्चर करते जा रहा था, वो भी जर्मनी को हारता देख 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर लेता है। हारती जा रही एलाइज कंट्रीज की वॉर में वापसी हो गई थी। अमेरिका ने तब तक ऑपरेशन बंद नहीं किया था जब तक जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब डालकर जापान को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया गया।